नाज़रीन इंसाफ न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुनीर हुसैन मीरपुर खास से। ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन की रिपोर्ट के मौजूद असातज़ा के आलमी दिन के हवाले से आर्ट फाउंडेशन ने पाकिस्तान कोलिशन फॉर एजुकेशन के तावन से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीम के इस शोबे से वाबस्ता सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के तमाम असातज़ा, इंतजामिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, साथियों और दीगर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब से मेहमान खुसूसी डिप्टी प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर नबी बख्श गुरगेज ने तमाम असातज़ा को सुर्ख सलाम पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि तालीम की बेहतरी के लिए तमाम सरकारी व गैर सरकारी, प्राइवेट और दीगर इदारों को मिलकर रजाकाराना खिदमात देनी चाहिए ताकि तालीम के शोबे में बेहतरी लाई जा सके और कोरोना वबा से निमटने के लिए स्कूलों में खास सफाई का ख्याल रखा जाए, SOPs पर मुकम्मल अमल करवाया जाए। आर्ट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहजादो मलिक ने कहा कि हम तमाम असातज़ा को इस आलमी दिन की मुनासबत से सलाम पेश करते हैं और उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उनकी खिदमात इबादत से कम नहीं, उनके हौसला अफजाई के लिए आज ये तकरीब रखी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे अभी तालीम हासिल करने से महरूम हैं, जिनको स्कूलों में लाने की हम सब की जिम्मेदारी है। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मसूद अब्बास, तालका एजुकेशन ऑफिसर जुम्मन मरी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा मोहम्मद बख्श कपी, रूटवेन रफीक लिगारी, मिस बुशरा वली मोहम्मद लाशारी, गुलाम सबर लगारी, अली हसन नून व दीगर मोजीन ने भी खिताब करते हुए असातज़ा के किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में असातज़ा को बेस्ट टीचर सर्टिफिकेट और सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे भी पेश किए गए।